हेलो, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पापड़ी चाट बनाएंगे। इसके लिए पापड़ी बनाएंगे। पापड़ी बनाने के लिए एक बड़े बर्तन में 1.5 कटोरी मैदा, 1 कटोरी डाल लिए हैं, आधी कटोरी और मैदा लेकर इसमें रवा और बेसन को मिक्स करेंगे। आधी कटोरी से थोड़ा सा कम रवा लिए हैं, 5 से 6 चम्मच के करीब रवा है। बेसन डालेंगे, 4 चम्मच बेसन डाले हैं। टोटल तीनों को मिक्स करके 2 कटोरी लिए हैं। अजवाइन डालेंगे, आप बिना अजवाइन का भी बना सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसे सूखा ही पहले मिक्स कर लेंगे मसाले और अजवाइन को। 4 चम्मच घी लिए हैं, पहले 3 चम्मच डालकर इसे भी सूखा ही मिक्स कर लेंगे पहले मोयन को। मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। मोयन थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें 1 चम्मच बचा हुआ घी डाल लेंगे। आप तेल में भी बना सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं मोयन के लिए। घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मोयन को चेक कर लेंगे। मोयन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ कर तैयार कर लिए हैं। मोयन के लिए चेक करने के लिए इसे आप लड्डू बनाकर देख सकते हैं। हाथ में मुट्ठी बांध कर इसे बंद रहा हो बस उतना ही डालेंगे। सॉफ्ट डो नहीं लगाना है इसका, थोड़ा हार्ड लगाएंगे डो को। 10 मिनट के लिए ढक कर रखे हैं। 10 मिनट के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी लोई ले लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है पापड़ी चाट। पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी बना है। लोई को लेकर इसे बेल लेंगे। आप चाहे तो छोटी लोई लेकर इसकी छोटी पूड़ी बनाकर बना सकते हैं पापड़ी को। इसके हम बड़ी लोई लेकर इसे बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। एक बार में बहुत सारे पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। इसे बेल कर तैयार कर लिए हैं। इसे फोर्क वाले चम्मच से इसे पिक कर लेंगे इस तरीके से, कांटे वाले चम्मच से होल कर लेंगे। आप छोटी पूड़ी बनाकर भी इस तरीके से कांटे वाले चम्मच से होल कर सकते हैं। पूरी रोटी में इस तरीके से होल कर लिए हैं। आपके पास कटर है तो कटर से काट लें, नहीं तो छोटी सी गिलास से काट लेंगे इस तरीके से। छोटी कटोरी है तो आप उससे भी काट सकते हैं, थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा कैसे भी काट लें। सारे पापड़ी को काट लिए हैं इस तरीके से। एक बार में बहुत सारा पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखे हैं इसे, ज़्यादा पतला भी नहीं है। सारे पापड़ी को निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे। इसका सारा एक्स्ट्रा आटा आटे में अच्छे से मिक्स करके फिर से इसकी लोई बना लेंगे। पापड़ी को फ्राई करने के लिए तेल गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने पे डालेंगे पापड़ी को। एक बार में जितना पापड़ी आएगा उतना डाल लेंगे पैन में। दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे पापड़ी को, फ्राई कर लेंगे। पापड़ी को पलट लेंगे। आप इसके साथ मटर वाली चाट भी बना सकते हैं। इसके मटर का चाट बनाएंगे इससे आज। दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है, पापड़ी को निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सारे पापड़ी को निकाल लिए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है पापड़ी। इसे आप 1 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, जब चाहे जब इसे चाट बना लें। चाट बनाने के लिए मटर का छोला बनाए हैं, रगड़ा भी बोल सकते हैं इसे। प्लेट में सर्व कर लेंगे चाट को। प्लेट में 2 बड़े चम्मच छोले को डालेंगे। ऊपर से 5 से 6 पापड़ी को इस तरीके से तोड़कर डालेंगे। आप अपने पसंद से पापड़ी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोले के साथ में बहुत ही टेस्टी लगता है पापड़ी चाट खाने में। ऊपर से दही डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, आप चाहे तो टमाटर भी, खीरा भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, काला नमक, भुना जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं।
इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। धनिया और पुदीना का चटनी है, हरी चटनी, इसे भी डालेंगे। आप ऊपर से सेब भी डाल सकते हैं या फिर एक पापड़ी को तोड़कर डाल लें। पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गया है, आप अपने पसंद से इसे बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।